लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आए दिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी और बहस की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला सूबे के सीएम कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा का है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान एक ने दूसरे पर बंदूक तान दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके में तनाव जैसे हालात बनाए, जिसे कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। छिंदवाड़ा की चौराई में मनीष रघुवंशी और तीरथ ठाकुर के बीच रास्ता न देने को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों के बीच इसे लेकर कहासुनी हुई तो मनीष ने तीरथ ठाकुर पर बंदूक तान दी, वहीं उसके समर्थकों ने ठाकुर के घर पर हमला कर दिया तो हालात तनावपूर्ण हो गए। ठाकुर ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर एसपी दफ्तर के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी। हाँ, जैसा कि विवाद कल से चालू हुआ था, एक फर्स्ट स्टेप स्कूल है, फर्स्ट स्टेप स्कूल की रोड पर एक मनीष रघुवंशी जो गंभीर सिंह चौधरी का रिश्तेदार है, उन्होंने वो रास्ता खोद दिया। उसमें कल मेरा बच्चा स्लिप होकर गिर गया था। मैंने उससे मनीष रघुवंशी से निवेदन किया कि मेरा बच्चा गिर गया, गड्ढा क्यों खोद दिया रास्ते में। उसके ऊपर से थोड़ा सा गरम गरम बात हुई। मनीष रघुवंशी ने उसके बाद बंदूक लेके मेरे को मारने आया, उसकी मैंने FIR कराया, पुलिस ने अरेस्ट भी किया और उसको शायद जमानती धारा लगी थी इसलिए उसको छोड़ दिया। आज कल गंभीर सिंह जी का 2-3 बार फोन आया समझौता करने के लिए, तो मैंने वो इनकार किया कि समझौता जब माननीय विधायक जी आएंगे उनके पास बैठ के होगा तो भी। उसके बाद में आज मैं घर पर नहीं था, गंभीर सिंह चौधरी जी ने बिजली ऑफिस के सामने करीब 200-250 लोगों के इकट्ठे किए और वहाँ पूरा अपने लोगों को भड़काए और मेरे घर पर 50-60 लोग पहुँचाए। मैं घर पर नहीं था, मेरी माँ थी 90 साल की बुजुर्ग, मेरी सास थी, मेरी पत्नी थी, मेरी माँ को भी हाथ में 90 साल की माँ को हाथ में चोट आई और मैं उस समय नहीं था। जो 10-12 लोग हैं उनके नाम से बताया मैंने, कुछ ऐसे भी असामाजिक लोग हैं जो पूर्व में जिनने थाना में आगजनी की थी, गुड्डा रघुवंशी, चेतन रघुवंशी वगैरह, इनने पूर्व में भी किए थे। अब पुलिस ने अभी कुछ लोगों को उठा के लाई, अभी तक 2-2.5 घंटे हो गए, अभी तक FIR नहीं हुई है। अब मैं बैठ रहा हूँ, देखता हूँ FIR कब होती है। आज अगर निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई नहीं हुई और इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं कल पूरा परिवार से SP ऑफिस के सामने आत्मदाह करूँगा। दो कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद से उपजे तनाव को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मैं किसी पार्टी विशेष का कोई मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। ये एक आपराधिक मामला है जिसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। गद्यवश तीरथ पटेल जो हैं उनके ऊपर मनीष रघुवंशी हैं, उसके द्वारा बंदूक तानी गई थी बस स्टैंड पर, जिसमें तीरथ पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 58 धारा 294, 506, 336, 2930 आयोध अधिनियम का कायम करके विवेचना में लिया गया था। MP कांग्रेस में आपसी विवाद का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेसियों के बीच विवाद सामने आता रहा है, जहां एक ओर भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की नसीहत दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में कांग्रेसी लड़ रहे थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की नसीहत कांग्रेसियों पर कितना असर डालती है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट।